यस। हु डिड? प्लस माइनस 4, रेज योर हैंड। या गुड गुड, वेरी गुड। पी वॉज प्लस माइनस 8, क्योंकि इसमें आपको टू क्वेश्चन हैज बिन आस्क्ड, तो आपको दोनों के आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 भी आ रहा है, और रूट्स इसके जो आ रही हैं, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 4। ओके, दिस इज कंप्लीट आंसर नाउ। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 अभी छोड़ दो, वी आर कमिंग, जंप टू क्वेश्चन नंबर 6। 5 विल रीड लेटर। क्वेश्चन नंबर 6 इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल, उसको अंडरलाइन कर सकते हो, इट इज द थिंग टू बी फोकस्ड ऑन दैट। ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन करते करते कई बार माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि क्या पूछा था, क्या आंसर दे दिया हमने, एंड आफ्टर रीचिंग होम यू कम टू नो कि ओहो, ये गलती हो गई। तो प्लीज फोकस ऑन टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, कौन बताएगा हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? ओनली स्टार्ट, बाकी तो आप निकाल ही लोगे। कैन यू आंसर पूजा? Firstly, by finding the discriminant, we should यस then यस, after we will find the value of m, then we will ऑल get. राइट ऑल राइट, वी हैव टू स्टार्ट विद डिस्क्रिमिनेंट। प्लीज फाइंड डी। ओके, एंड इट इज गिवन दे आर रियल एंड इक्वल, टू तो होने ही होने हैं बिकॉज क्वाड्रेटिक के टू रूट्स ही आएंगे उसके। दीज आर रियल एंड इक्वल, इसलिए डी को हमने रिप्रेजेंट करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जो कंडीशन दी हुई है रियल एंड इक्वल है, तो फिर इज इक्वल टू 0 हम इक्वेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्रिमिनेंट वी विल फाइंड आउट एंड देन वी विल पुट इज इक्वल टू 0। पेशेंटली करना है, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड योर करेक्ट आंसर, धीरे धीरे एवरी स्टेप को फोकस करो एंड लिपसिंग करके करो, माइंड में बोलो साथ साथ में, फिर कोई गलती नहीं होती। वेरी गुड, यस। सिक्स क्वेश्चन में ट्राई टू स्टार्ट बाय राइटिंग ए बी एंड सी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। ठीक है, कोई एम माइनस वन के फॉर्म में है, कोई एम टू टाइम्स एम माइनस वन है। ठीक है, इफ यू विल राइट ए बी सी इन द बिगनिंग, यू विल हैव गेट चांस, लेट चांसेस टू बी मिस्टेक। यस बेटा, क्वेश्चन तो ये 2 मार्क्स का ही है, बट थोड़ी सी एफर्ट लगाने वाला है ए पार्ट। यस गुड गुड, प्लीज डू इट योर सेल्फ। यस, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। Anybody found? Yeah. Yes. Please tell me what is the quadratic? D D क्या आ रहा है पहले ये बताओ। Okay, I'm writing on the board, बेटा. You can check it. ओके,
डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. एवरीबडी नोज वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन बाय दिस स्मार्टली. यू आर ऑल गुड चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ट्रिक्स. ओके, टू एम माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 4 into a इंटू सी वन. ओके, वी विल नॉट मिस एनीथिंग. ये नहीं सोचा कि वन है तो उसको क्यों लिखना है. 4m-1 होल स्क्वायर माइनस 4m+4, सॉरी वी विल नॉट ओपन इट बिकॉज हमें m-1 दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन दिख रहा है. आई होप यहां तक तो सबने कर लिया होगा. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द ब्रैकेट यू आर, जो जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे होंगे इनको क्या करेंगे, इसको m-1 को कॉमन ले लेंगे. ठीक है, अंदर आपके पास आ जाएगा 4 into m-1 एंड सॉरी 4 इज ऑल्सो कॉमन. यस, m-1 -1, इज इट सो? प्लीज, हाँ यहां तक कर लिया फिर तो बहुत अच्छा. अभी तो m निकलने वाला है आपका. किस किसने निकाल लिया एम की वैल्यू? वेरी गुड, प्लीज टेल मी पीछे से लास्ट कर्स. हाँ, एनीबडी एनीबडी खड़े होकर जल्दी से बता दो एम की वैल्यूज क्या आ रही हैं, सो दैट एवरीबडी कैन करेक्ट ऑल्सो साइड बाय साइड ना. अगर आपके थोड़ा बहुत फॉल्ट भी होता है आप करेक्ट भी कर सकते हो. वेरी गुड, एंड बी कॉन्फिडेंट. मैम वैल्यू ऑफ एम इज 1 एंड 2. 1 एंड 2 सिंपल, या एम इज इक्वल टू 1 एंड 2. एम इज इक्वल टू 1 एंड 2. वेरी गुड. ओके, इसका बी पार्ट. हु ऑल डन दिस करेक्टली, ए पार्ट? किस, प्लीज रेज योर हैंड सिंसियरली. हु डिड इट एंड देयर आंसर इज करेक्ट. वेरी गुड वेरी गुड. और जिनका बाय चांस ठीक नहीं है तो ये थोड़ा सा ट्रिक जो है इसको प्लीज लर्न करो कि आपको ओपन नहीं करनी ब्रैकेट को. व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट आप थोड़ा सा इसमें लॉस्ट हो जाओगे. यू विल बी कॉट इन अ ट्रैप, यू नो, अगर कुछ ऐसे गलत स्टेप हो गया तो. केयरफुली ईच स्टेप यू हैव टू सी वेरी केयरफुली. m-1 इज कॉमन इन बोथ, सो इट विल बी योर इजियर क्वेश्चन आफ्टर दैट. ओके, कम टू बी पार्ट. सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स. सिंपल सॉल्व करना है, केयरफुली देखो. स्क्वायर रूट वाले टर्म्स काफी बार आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन ना, बट दे आर नॉट डिफिकल्ट. Did you know this question or shall I help you in this? Okay, try it. सोचो उसके बारे में. थोड़ा सा रफ में लिखना है तो रफ में भी थोड़ा आइडिया ले लो लिख के, ताकि फाइनल लिखने से पहले आपका अपना रफ में माइंड मेकअप कर लो कि हाँ क्या क्या आना चाहिए, कहाँ प्लस आना चाहिए, कहाँ माइनस आना चाहिए. नीट एंड क्लीन फिर उसको फाइनल में आंसर लिख दो. फाइन, बी पार्ट. सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. प्लीज रेज योर हैंड हु हैव डन इट. ओके गुड. ओके, वेट फॉर अदर्स. अभी 2-3 बच्चों ने किया है. आई विल आस्क यू द आंसर, लेट एवरीबडी डू. इट वॉज स्क्वायर रूट 3x² प्लस 10x. क्वेश्चन नंबर 6, बी पार्ट. स्क्वायर रूट 3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0. स्क्वायर रूट के जब आपका जब भी आता है नंबर यू मल्टीप्लाई देम. ओके, 10 तो आपको चलो दिख ही रहे सामने. 7√3 × √3 इज इक्वल टू 7 × 3 इज इक्वल टू 21. बहुत ही सिंपल लग रहा है आपको,
प्रोडक्ट शुड बी 21, एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी 21, वट एवर, वो एडिशन का ही आएगा ऑफ कोर्स, सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे साइन ही नहीं है, ठीक है? 7 + 3 एवरीबडी नोज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हैव यू डन इन दिस वे? ऑल राइट, तो मेरे को जल्दी से फिर आंसर बता दो. लेट मी कॉल द नेम. इंदरप्रीत, कुड यू डू, कर लिया आपने? ओके, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, टू रूट्स क्या क्या आ रहे हैं इसके? हाँ, √3 एंड -7 अपॉन √3 -7/√3, एंड सेकंड वाला क्या है बेटा? √3 इट माइनस, इट शुड बी माइनस, यू नो, बिकॉज दोनों सारा क्वेश्चन ही हमारा पॉजिटिव वाला है. तो पूरा क्वेश्चन ही पॉजिटिव वाला है, ऑफ कोर्स आपका नेगेटिव में आंसर आएगा, इज इट? प्लीज करेक्ट इट इफ यू हैव डन पॉजिटिव. प्लीज बी केयरफुल, थोड़ा सा आपको ये भी होना चाहिए कि अगर मैंने नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव लिखा है तो वो पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव में है, आपके फैक्टर्स भी पॉजिटिव में बन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जब वो आंसर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है बेटे? क्योंकि ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये कई बार हमारा क्वेश्चन से पीछे से थोड़ा सा गलत चल रहा होता है या कुछ है, तो आपको फटाफट आंसर में अपना गलती पता चल जाएगी कि वाई इट इज कमिंग इन पॉजिटिव. ओके, जल्दी से आप उसके साइन करेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन राइट द करेक्ट आंसर. अगेन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका, रूट्स निकालने वाला. यू हैव कम टू नो हाउ टू स्प्लिट द मिडल टर्म, ओके? और आपको ये भी पता है कि अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म से भी आंसर निकाल लेते हैं. डू यू नो हाउ टू फाइंड द रूट्स बाय डिस्क्रिमिनेंट? यस, ओके, चलो गुड. ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, और ये टाइनी टाइनी क्वेश्चन जो है ना, दो दो नंबर वाले, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? थोड़े थोड़े करके फुल मार्क्स आते हैं ना, कि 2 मार्क्स इससे ले लिया, हाफ मार्क वहां से ले लिया, 1 मार्क उधर से आ गया, कर करके आपके अच्छे मार्क्स बन जाते हैं. 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और दिस ऑल्सो, फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर. प्लीज अंडरलाइन, इज 6 टाइम्स द अदर, जिसको फोकस करना है हमने. क्वेश्चन पेपर में आपका अंडरलाइन हो जाना चाहिए, जो कि हमें जिसको बहुत ध्यान से देखना है. नाउ आई लास्ट द बॉयज, ओके, बी रेडी फॉर दैट. और किसी को बेटा अगर डाउट है प्लीज खड़े होकर पूछ लेना कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू डू, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके? आपकी अच्छी रिविजन हो रही है. वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर, बहुत अच्छा आपको रिलेशन दिया हुआ है. अल्फा बीटा का रिलेशन लिख लो इसमें फटाफट से. अल्फा बीटा आर टू रूट्स, उनकी जो कंडीशन दी हुई है सबसे पहले टॉप पे उसको लिख लो, फिर उसको आगे यूज करो. इफ यू नो दिस यू कैन डू, अदरवाइज आई विल हेल्प यू. ट्राई इट फॉर अ मिनट, 2 मिनट स्पेंड करो इसके ऊपर. हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, ओके. सी, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा, वन रूट इज 6 टाइम्स अदर. यू कैन राइट डाउन बीटा इज इक्वल टू 6 टाइम अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 6 टाइम अल्फा. दिस इज द रिलेशन जो हमने आगे क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है? अब इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है, इसको आपको वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, और रूट्स निकलेंगे भी नहीं बिकॉज के इज अननोन टू यू, ठीक है? के वी हैव टू फाइंड आउट. इन क्वेश्चंस में जहां पे हमें के निकालना होता है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलो मैं ही करवाती हूँ आपको ये, ठीक. के वी हैव टू फाइंड आउट, इसमें अल्फा प्लस बीटा से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे. वी विल टॉक अबाउट सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है? जब भी हमें के की वैल्यू निकालनी है, कोई भी अननोन वैल्यू निकालनी होती है, तो हम हमेशा उसमें पहले तो अल्फा बीटा का रिलेशन दिया होता है. दिस इज अ, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ही ऐसा बना होता है कि जब भी आपको कोई के की वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है, मिसिंग जो उसमें डिजिट है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको अल्फा बीटा का रिलेशन हमेशा दिया होगा.
ठीक है, वो रिलेशन आपने वहीं से ही क्वेश्चन शुरू करना है। ओके, देन सम इज गिवन, तो सम की वैल्यू निकालो, माइनस बी बाई वैल्यूज डालो इसके, या इट इज ये माइनस बी बाई, आपके पास क्या है, 14 बाय k, दैट यू नो, एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट आल्सो यू नो, बीटा आपके पास 6 अल्फा है, कंप्लीट दिस आल्सो, अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू 14 बाय k, क्लू मिल गया आपको, प्लीज डू इट नाउ फर्दर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, प्लीज राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई सच क्वेश्चंस एट होम आल्सो, मिसिंग वैल्यू हमेशा निकालनी आती आती है। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 बाय के, ओके, एंड अल्फा इज इक्वल टू यू हैव 2 बाय के, दिस रिलेशन यू कैन लीव एज इट इज, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि अभी हमें दो अननोन चीजें आ रही हैं, अल्फा भी नहीं पता और के भी नहीं पता, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लीव इट एज इट इज। कम टू प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट अगेन अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, सी बाय ए, ओके, व्हाट वाज सी, इट वाज 8 8 बाय के, यस 8 बाय के, नो नेगेटिव, इट विल बी 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय के, ओके, तो इसमें हमने अल्फा की वैल्यू, यहां पे अल्फा की वैल्यू, अभी कैन यू पुट अल्फा फ्रॉम हियर टू हियर इन दिस स्टेप, प्लीज डू इट नाउ, जैसे ही अल्फा खत्म हो जाएगा के आपके सामने आ जाएगा, प्लीज डू इट। यू आर वेरी नियर टू द आंसर, यस, व्हाट इज कमिंग बेटा, 3, के इज इक्वल टू 3, वेरी गुड, फाइन, के इज इक्वल टू 3, आपके पास रेफरेंस बुक्स होंगे घर पे प्रैक्टिस के लिए, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं काफी, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू रिवाइज, और इसको मार्क कर लो, हाईलाइट कर लिया करो, जो जिसमें आपको डिफिकल्टी लगती है ना उसको हाईलाइट कर लो कि इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि पेपर बना हुआ है क्वाड्रेटिक का और ये क्वेश्चन ना आए। चलो कम टू 8th क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, क्या क्या चीज कैसे आई, क्या स्टेप कैसे आया, फाइन, कम 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, प्लीज राइट डाउन इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, असाइनमेंट में आई थिंक ये मिसिंग है, और इसको अंडरलाइन भी कर लो, टू इक्वल रूट्स, ठीक है, जैसे ही हम इसको करेंगे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, अंडरलाइन करके, टू इक्वल रूट्स हैं, या ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया था, यस स्टार्ट डूइंग, यस, एम एक्स 5x-6 + 9 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट यू नीड टू ओपन द ब्रैकेट, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है,
Now I'll call boys. Be ready. साहिल साहिल इज प्रेजेंट. ओके बेटे आ जाओ आगे. जस्ट टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन फॉर्म्ड. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बता दो. 5 mx² माइनस यस 6 mx. यस -6 mx + 9 = 0. 5 mx² -6 mx + 9 = 0. ठीक है, आपने वैल्यूज निकालनी है m की. तो हाउ डिड यू स्टार्ट? स्टार्टेड बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डी. एक्सेलेंट. ओके रे, प्लीज कंटिन्यू. आंसर निकाला है आपने या फिर अभी कर रहे हो बेटा? प्लीज कर रहे हैं अभी. प्लीज डू इट. यस, योर बिगनिंग इज ऑल राइट. m इज इक्वल टू 0 एंड 0 एंड 5 या 4 आ रहा है बेटा इसका. 0 एंड 5. यस 0 एंड 5. तो 0 एंड 5 आर द वैल्यूज ऑफ m. फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स. तो m की वैल्यू अगर 0 होती तो इक्वेशन ही ना होती, क्योंकि m उसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है, यू नो. सो m इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल. Not possible. So final answer will be m is equal to 5. ठीक है, आपको ये भी चेक करना होता है बेटा निकालने के बाद कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. अगर m is equal to 0 लिखोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं, इट विल नॉट रिमेन एज इट इज. ठीक है, फाइनल आंसर लिखने से पहले यू हैव टू थिंक ऑफ कि एप्लीकेबल है भी है कि नहीं. क्या ये वैल्यू जब हम डालेंगे सूट कर रही है उसको कि नहीं. ठीक है बेटे, चलो गुड. एम इज इक्वल टू 5 इज द फाइनल आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. बेटे थोड़े से क्वेश्चन है अभी, अगर बेल हो भी गई ना प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब. वी विल स्पेंड 5 मिनट्स मोर और आज ही खत्म करते हैं एक्सरसाइज. अब आपका चैप्टर बहुत अच्छा चल रहा है, ये पूरी रिवीजन हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 9. अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24. इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. फाइंड द नंबर. काफी बच्चों को ये मुश्किल लगता है क्वेश्चन. इफ यू नो यू कैन स्टार्ट डूइंग. ऐसे क्वेश्चन आप 8th क्लास से करते आ रहे हो, है ना. ओनली थिंग इज कि अभी आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी और उसकी फिर वैल्यू सॉल्व करनी है. Shall I help you in this? Okay, please do it. One space digit and 10 space digit. You have to think of. Let one space be y, one space be y, and 10 space be x. तो आपके पास ओरिजिनल नंबर बनेगा. ओरिजिनल नंबर विल बी इक्वल टू 10x + y एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग. अगर कई बच्चों ने एक्स और वाई को रिवर्स करके लिए कि उसको 10 ले लिया उसको 1 ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. यू कंटिन्यू बाय दैट 10y + x. ठीक है, उसके बाद उनका रिलेशन लगा दो. आंसर आपका सेम ही आएगा अगर इसने एक्स और वाई अगर आपने किसी ने चेंज करके भी लिया है तो. फाइन, और बहुत अच्छा जो रिलेशन दिया हुआ था आपको प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 24. क्या रिलेशन बन रहा है उसका आपसे?
एक्स वाई इज इक्वल टू 24, एक रिलेशन आ रहा है आपके पास, इसको यूज करो एक्स और वाई की फॉर्म में। फोकस ऑन दैट कि 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, देन डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। होप यू आर डूइंग इन दिस वे, यू कैन करेक्ट इट इफ यू आर डूइंग इट। ओके एंड 10x प्लस वाई माइनस 18 विल बी इक्वल टू 10y प्लस एक्स, यही इक्वेशन आपकी बनेगी। ये दो रिलेशन आपको दिया हुआ था, दिस इज अ गिवन रिलेशन, ठीक है, एंड ये रिलेशन हमारे पास उनके प्रोडक्ट से आ गया, दोनों को यूज करो। ऐसे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के आते हैं। यस वेरी गुड। बेटा शैल आई कंप्लीट दिस ऑन द बोर्ड, थोड़ा अगर मुश्किल लगता है तो, क्या आप कर रही हो? चलो आई विल वेट फॉर यू। एनीबडी हैज फाउंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ओके गुड, प्लीज टेल मी बेटा, जो वॉल के साथ गर्ल बैठी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 24, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 24 इज माइनस टू एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो, वेरी गुड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर। यू हैव टू रीच टिल हेयर, जिनके जो बच्चे अभी कर रहे हैं, यू हैव टू रीच टिल हेयर, या अभी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आपकी बननी चाहिए। ओके तभी आपकी एक्स की वैल्यू निकलेगी। फाइन, दिस इज 24, 6 4 इज 24, एवरीबडी नोज एक्स इज इक्वल टू आपका आएगा 6 एंड माइनस 4। वी डोंट टेक नेगेटिव वैल्यू, एवरीबडी नोज, सो वी विल टेक 6, 6 को फॉलो करेंगे, राइट? वी विल यूज ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ओके फॉर एक्स इज इक्वल टू 6 हमारे पास जो आएगा नंबर्स आएंगे दोज विल बी टेंस प्लेस और यूनिट स्पेस पे वैल्यू पुट करके। व्हाट इज द फाइनल नंबर इज कमिंग? एनीबॉडी फाउंड? व्हाट इज दैट बेटा? इज इट 64? यस, प्लीज रेज योर हैंड हु ऑल हैव डन। एक्सेलेंट, 64 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, मूव अहेड। अगला क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन।
Yes. John and Jivanti together have 45 marbles. Total 45 marbles है. Both of them lost 5 marbles each. दोनों के पांच पांच marbles कम हो गए. And the product of the number of marbles they now have is 124. ठीक है, बिगनिंग में दोनों के पास 45 थे. तो स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि स्टार्टिंग हमने कैसे करनी है क्वेश्चन की. आपका रफ में एक जो कॉलम बनेगा उसमें आप लिखोगे जॉन प्लस जीवंती, दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स है. ये आपका रफ कॉलम में लिखा होना चाहिए ताकि आप बता पाओ कि रिलेशन निकाल पाओ उनका. चलो गुड. कैन आई आस्क जीवन, जॉन एंड जीवंती की बात हो रही है तो आई वॉन्ट टू आस्क जीवन. जीवन आर यू देयर? यस प्लीज टेल मी हाउ टू स्टार्ट. यस बेटा. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45. ओके गुड. ये अभी आपका रफ में चलेगा ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो वाई क्या है. और यस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45. ओके कोई बात नहीं, सोचो चल के. इट्स ओके, गो बैक, थिंक ऑफ इट. एनीबडी एल्स हैज स्टार्टेड? आई गिव यू द क्लू देन. बेटे आपको वो एडिशन दिया हुआ ना दोनों का, तो इसमें पहले तो जॉन के लेट जॉन्स मार्बल्स भी, जॉन्स मार्बल्स जो होंगे उसको आप एक्सपोज कर लो इज इक्वल टू एक्स. तो जीवंती के मार्बल्स क्या होंगे? जीवंती मार्बल्स दे विल बी 45 माइनस एक्स, इज इट और नॉट? क्योंकि आपको वाई वाई आर नॉट टेकिंग वाई. वाई को क्यों नहीं लेना? क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको फॉर्म करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल चाहिए. मेक अ रिलेशन इन सिंगल वेरिएबल, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ग्राफ कॉलम में आपके पास होना चाहिए कि टोटल आपके पास 45 है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 माइनस एक्स. उस वाई को आप वहां पे यूज कर रहे हो जीवंती के लिए. नाउ दिस इज वेरी सिंपल ठीक है. एक और कंडीशन दी हुई थी कि दे हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो अभी न्यू मार्बल्स, न्यू कंडीशन में क्या हो गया अभी? ठीक है, अभी जॉन के जो मार्बल्स होंगे दैट विल बी एक्स माइनस फाइव, और जीवंती के जो मार्बल्स होंगे दोज विल बी 45 माइनस एक्स माइनस फाइव. दोनों को हमें माइनस फाइव करना ही पड़ेगा. फाइन, इसके आपके पास एक्स माइनस फाइव ऑलरेडी है, इसके यू कैन राइट डाउन 40 माइनस एक्स. ठीक है, जब दोनों ने फाइव फाइव लूज किए हैं उसके बाद रिलेशन हमें दिया हुआ है कि नाउ दे हैव प्रोडक्ट इज इक्वल टू 124. बना दो उनका रिलेशन, लिख दो वट एवर इज गिवन टू अस, राइट डाउन 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, जो कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स आ रहा है. नाउ यू कैन फाइंड आउट इजिली. प्लीज करो इसको आगे बेटा. आई हैव गिवन यू अ बिग क्लू, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपकी बनेगी, प्लीज ट्राई सर्च काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. ओके दिस आर आल्सो इंपॉर्टेंट. ओके आई एम गिविंग क्लू,
एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 36 एंड 9, ठीक है? टू वैल्यूज आपके पास आएंगी. आई एम गिविंग क्लू, यू कैन चेक इट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. अगर जॉन की आपके पास 36 आ रही है तो जीवंती के 9 होंगे, ठीक है? अगर उसके 9 आ रहे हैं तो इसके 36 होंगे. फाइन, टोटल 45 आना चाहिए. आई नो दिस इज टाइम टेकिंग क्वेश्चन. किसी की क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनी है? हाँ प्लीज बताओ. प्लस 324, इज इट सो? एक्सेलेंट, चलो फिर यह हो जाएगा आपका. 36 एंड 9 इसके आ रहे हैं, फैक्टर्स यू कैन मेक. ओके, कम टू 11th क्वेश्चन. यू कैन राइट द क्लू बच्चे, यू कैन ट्राई इट ऑल्सो. आई हैव कम टू नो, यू कैन ऑल्सो मार्क इट. 10th क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आई थी, 7th में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, और 7th और 8th दोनों सेम थे क्वेश्चन. उसमें के की वैल्यू निकालनी थी, उसमें एम की वैल्यू निकालनी थी. प्लीज मार्क देम, जिनको आपने फोकस करना है, ठीक है? आज की क्लास से आपको ये पता चलना चाहिए कि हमें किन किन क्वेश्चन पे आगे आगे प्रैक्टिस चाहिए. कम टू 11th क्वेश्चन. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. फाइन, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है? तो क्वेश्चन में हमेशा ऐसा होता कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर उसकी लेस हो जाती तो उसका इतना टाइम कम हो जाता, ठीक है? तो इसमें आपको पहले तो प्रेजेंट के बारे में सोचना है. स्पीड हमें निकालनी है तो स्पीड को पहले एक्सपोज कर लो. यू नो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज डू इट देन. प्लीज डू स्टार्ट करो एंड टेल मी व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी देन क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल. इन इन क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा स्पीड से होगी कि एक्स को स्पीड को एक्सपोज कर लिया, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और टाइम निकाल लो. साइंस में भी आप करते हो ऐसे वाले क्वेश्चंस. डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर दिया हुआ है एंड स्पीड वी आर सपोजिंग, लेट एस इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड यू कैन फाइंड टाइम, ठीक है? 480 बाय एक्स आवर्स, तीन चीजें हमारे पास आ गई. नाउ कम टू द कंडीशन. नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है कि अगर टाइम स्पीड आपके पास 8 किलोमीटर लेस हो गई और टाइम आपके पास 3 आवर्स मोर लगेंगे, ठीक है? तो आपकी न्यू स्पीड और न्यू टाइम निकाल लो और फिर रिलेशन निकाल लो. न्यू स्पीड आपके पास आ जाएगी एस इज इक्वल टू एक्स स्पीड इज लेस एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. प्लीज राइट द यूनिट्स ऑल्सो एंड देन टाइम विल बी आपके पास आएगा 3 आवर्स मोर. तो इसमें आपके पास डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है? टाइम आपको 3 दिया हुआ है तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, न्यू डिस्टेंस कितना आएगा, न्यू स्पीड आपको पता चल गई तो. न्यू डिस्टेंस यू कैन राइट डाउन इज इक्वल टू 480 स्पीड टाइम. ये न्यू टाइम आएगा आपके पास, न्यू टाइम. प्लीज फाइंड आउट 480 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 8 आवर्स. न्यू स्पीड है तो न्यू टाइम आएगा और फिर दोनों का रिलेशन बता दो, ठीक है? 3 आवर्स.
Yes, Peter, please continue. ओके नाउ इज द मेन पॉइंट टू बी रिटन. ठीक है, हु हैव रिटन द नेक्स्ट स्टेप. 480 बाय एक्स इज इक्वल टू 3. हु हैव डन इन दिस वे. टाइम का जो रिलेशन बताना है हमने. वेरी गुड वेरी गुड. दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट. ठीक है, अगर आपको नहीं आता यू कैन सी हियर. यहीं पे गलती बच्चों की होती है कि किस में से क्या माइनस करना है और उसकी क्या वैल्यू आनी है. ठीक है, इफ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई एट होम इसको फर्दर. ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी होंगे. आई एम गिविंग यू क्लू. एक्स इज कमिंग आउट टू बी 40 किलोमीटर पर आवर. यू कैन राइट डाउन 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, प्लीज ट्राई एट होम बेटा. अब आपकी इक्वेशन भी बनने वाली है और उसके बाद आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो. ठीक है, अभी अगर क्लास के बाद टाइम हुआ यू कैन डू नाउ. आई वॉन्ट टू फिनिश दिस असाइनमेंट. ठीक है, विल यू बी एबल टू डू दिस बेटा. ऑल राइट, चलो लास्ट क्वेश्चन. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. You also read it. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the differences of the distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Thoda sa tricky question hai. I will start it, then you can continue. I want to give you clue. There is a circular path. ठीक है, you have to put a pole here. Suppose P point पे. Diameter of the circle is given to you. This is 13. ठीक है, Diameter of this is given. And आपको पी ए और पी बी के आपको बताए हुए हैं. ठीक है, Distances. P A and A and B. These are on the opposite sides. P A and P B. आपको पता है यहाँ पे 90 degree angle होता है. This is a semicircle. Okay. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the differences of its distances. डिस्टेंस कर लो वैसे इसको. डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स. टू डायमेट्रिकली मतलब डायमीटर के आसपास हमने टू गेट्स यहाँ पे लगाने हैं ए और बी पॉइंट पे. ठीक है, तो फिक्स पॉइंट ए एंड बी इज 7 मीटर. उनका डिस्टेंस डिफरेंस दिया हुआ है. पी ए माइनस पी बी इज गिवन. पी ए माइनस पी बी इज गिवन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. आपका मीटर्स में है तो मीटर्स कर लो इसको. डू इट इन मीटर्स. पी ए माइनस पी बी. बहुत बड़ा क्लू आपको मिल गया. यू हैव कम टू नो हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन. ठीक है, डिफरेंस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. सपोज दिस इज ए दिस इज बी. डिफरेंस तो आपको दिया हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल टू 7. फर्स्ट इक्वेशन जो आप यूज कर सकते हो. सेकेंड इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस. कैन यू डू इट? पाइथागोरस थ्योरम. ओ फाइन, यू कैन अप्लाई द राइट एंगल प्रॉपर्टी. एंड नो नीड टू से वाई इट इज राइट एंगल. इट इज अंडरस्टूड. यू कैन अप्लाई इट डायरेक्टली क्योंकि सेमी सर्कल है तो उसमें 90 डिग्री एंगल बनेगा बनेगा. ठीक है, तो अब आपके पास टू वैल्यूज है. ए बी इज ऑल्सो गिवन. दिस इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एंड यहाँ पे आपके पास सेकंड इक्वेशन ये बन रही है और फर्स्ट इक्वेशन ये बन रही है.
यू कैन इजीली सॉल्व देम। ठीक है, ए की वैल्यू एक से निकाल के दूसरे में डाल सकते हो, या बी की वैल्यू दूसरे से निकाल के इसमें डाल के इसको एक सिंगल इक्वेशन बना लो, ए की फॉर्म में या बी की फॉर्म में, दैट इज योर विश। प्लीज कंटिन्यू, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक बहुत Have you found till here? Have you found this quadratic equation? Okay, very good. Find the values of B. This is the last question. इसकी बेटा values आ रही हैं आपकी x is equal to सॉरी ए या बी जिसमें भी आपने निकाला है, इट इज कमिंग आउट टू बी -12 and 5 आएगा। प्लीज ट्राई एट होम, -12 and 5 टू वैल्यूज आएंगी एंड यूज द पॉजिटिव वैल्यू। ओके, ठीक है बेटा, आई एम गिविंग यू क्लू बेटा, इसके वैल्यूज निकाल लेना फिर आप। PA और PB की वैल्यू निकालनी है, 12 and 5 आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है, 12 मीटर एंड 5 मीटर, दिस इज फाइन। चलो गुड बेटा, यू कुड डू वेल। चलो ओके बेटी, डिड यू अंडरस्टैंड वेल? चलो बाय, ऑल द बेस्ट।